देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज। आरएसएस के करीबी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले और यौन शोषण के आरोपी पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी नव निर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह के निलंबन का फैसले का स्वागत है, परंतु ये आंखों में धूल झोंकने के समान है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार, मोहम्मद समीम कांग्रेस व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बबलू कुमार, प्रदुमन दुबे, दामोदर गोस्वामी आदि ने कहा कि देश की कुश्ती में प्रथम महिला ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक, श्री बजरंग पुनिया आदि के भारी विरोध से देशवासियों के बीच हो रही किरकिरी से घबराई मोदी सरकार ने आनंद फानन में भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बर्खास्त करने के बजाय निलंबित कर दिया ताकि मामला ज्यादा तूल न पकड़े। नेताओं ने कहा कि पद्मश्री सम्मान सरकार को लौटाने वाले बजरंग पुनिया ने कहा कि देश की महिलाओं खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह सहित उनके सहयोगी को फिर दोबारा अध्यक्ष बनने से देश की आधी आबादी के साथ क्रूर मजाक है। नेताओं ने कहा कि इस बार कोई विश्व स्तरीय महिला खिलाड़ी इस पद पर न आए, इसका इंतजार देश कर रही है। नेताओं ने कहा मोदी सरकार के पौने 10 साल के कार्यकाल में देश के अन्नदाता किसानों का एक वर्ष से ज्यादा दिनों तक चले आंदोलन तथा दूसरा महिला खिलाड़ियों के आंदोलन के आगे तानाशाह को झुकना पड़ा। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से वेदराज की खास रिपोर्ट। तानाशाह भी झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। कहावत आज चरितार्थ हुआ जब भारतीय कुश्ती संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष को निलंबित किया गया। उस समय ये प्रतीत हुआ वाकई तानाशाह भी झुकते हैं, झुकाने वाले चाहिए। इस तरह से हमारे देश के किसानों ने तीन किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ एक साल से ज्यादा का संघर्ष चलाए थे। इस दौरान 700 से ज्यादा किसान काल तकलीफ हो गए थे, अपने प्राण निछावर कर दिए और अंततः मोदी सरकार को जीतनी पड़ी। और यही प्रधानमंत्री महोदय जो हमेशा कहते थे कि ये कानून कभी नहीं वापस ली जाएगी, उन्होंने यू तक लेते हुए तानाशाही उनकी छूट गई जब उन्होंने कहा अब ये तीनों काले कानून कभी नहीं आए। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह को निलंबित किया गया है, वो पूर्व यौन शोषण के आरोपी जो सांसद भारतीय पहले से थे प्रतिरोध नारायण जी, ब्रजभूषण शरण सिंह जी उनके साथीर भी वो हैं, उनके सहयोगी हैं। जिस तरह से ये नंगा नाच किया जा रहा था और हमारे देश के पद्म विजेता खिलाड़ी और ओलंपिक विजेता साक्षी के भारी विरोध के बाद आज सरकार को जीतना पड़ा और जिस तरह से संजय सिंह का निलंबन वापस किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी निलंबन ही नहीं उनकी बर्खास्ती चाहती है। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अगले बार आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हो, कोई न कोई महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक विजेता हो, उस तरह के महिला खिलाड़ी को अध्यक्ष बनाया जाए। जय हिंद, जय जनता। खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।